प्रथम तहलका न्यूज। हिसार के लघु सचिवालय में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया। इसके खिलाफ राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर भूख हड़ताल करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम जिला उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपा गया। लघु सचिवालय पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला उपाध्यक्ष सुतारुद्दीन मिर्जा की अध्यक्षता में धरना दिया गया और भूख हड़ताल पर भी बैठे। धरने में सैकड़ों की संख्या में अध्यापक भी शामिल हुए। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य प्रधान एवं स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव सीएन भारती ने नई शिक्षा नीति में सुधार की बात कही कि गरीब जनता के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे और जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं आज तक जो हमने संघर्ष करके आजादी की लड़ाई करके प्राप्त किए हैं, चाहे वो समता है, चाहे समानता है, धर्मनिरपेक्षता है, उनका स्थान नहीं है शिक्षा नीति में। तो ये खत्म हो जाएगा सिस्टम और करोड़ों बच्चे बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। दूसरा ही जो सरकार संस्कृति मॉडल स्कूल के नाम पे कर रही है, अभी आपने देखा होगा 1000 स्कूल, कोई पूछे इनसे करा क्या है, केवल 500 रुपए रंग रोगन के लगाए हैं, बोर्ड बदले हैं और हजारों बच्चों को वंचित कर दिया अच्छे स्कूलों में पढ़ने से। ये अंग्रेजी मीडियम स्कूल बना दिए, शिक्षा नीति कह रही है 5वीं तक मातृभाषा मीडियम होगा और खुद हरियाणा सरकार 1000 स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम बना रही है। शिक्षा अधिकार कानून कह रहा है कि शिक्षा फ्री होगी और ये कह रहे हैं 500 रुपये पहली वाले बच्चे की दाखिला फीस, 200 रुपये महीना, तो 12 × 24 और 529 रुपये फीस लेंगे। एक स्कूल है टवाला मंडी, 700 बच्चे हैं प्राइमरी में, आज 28 अध्यापक पढ़ा रहे हैं और वो सारा का सारा रेलवे लाइन के साथ का स्कूल है, झुग्गी बस्तियों के बच्चे हैं, वो अंग्रेजी मीडियम नहीं पढ़ सकेंगे। अगर उनको बाहर निकालते हैं, अभी डायरेक्टर से मीटिंग करके आए, बोले हिंदी मीडियम नहीं पढ़ेगा तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे। हम कहते हैं कि सरकार 100 स्कूल खोल दे, ये नए स्कूल खोले, नई जगह पे खोले। तो इस मुद्दों को लेकर सरकार गोद दे रही है स्कूलों को। उन्होंने तो ये भी कहा कि हमारी शिक्षा नीति में समता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक व भारत की विभिन्नताओं एवं समाजवाद जैसे मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। राज्य प्रधान ने कहा कि शिक्षा सब तक पहुंच पाए इसलिए निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्ता पूर्वक होनी चाहिए। बना भी रहे हो तो आप 100 नए स्कूल खोल दो, जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नया दो, कमरे 1000 नए बनाओ। और मॉडल है हमारे पास देश में, केरला मॉडल है, आज इसी देश के अंदर विदेश की बात ना करो, उन्होंने 141 स्कूलों को 5-5 करोड़ राशि देकर खड़े करे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोला है, पर पुराने स्कूलों को नहीं चलाया, नए स्कूल खड़े करे हैं, किसी स्कूल को 3 करोड़, किसी स्कूल को 1 करोड़, ऐसी राशि दे दे के स्कूलों में इतना बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया है उन्होंने। तो आप बनाओ इसके अंदर 50,000 उन्होंने क्लासरूम डिजिटल बनाए हैं, प्रत्येक बच्चा डिजिटल कमरे में बैठ के पढ़ता है। तो सरकार कोई प्रबंध करे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, केवल 500 रुपए रंग बदल के बोर्ड का। अगर यही संस्कृति मॉडल स्कूल है तो ये सरकार जाने और आप मीडिया के साथ ही जाए। तो मांग क्या है सर? मांग यही है कि संस्कृति मॉडल स्कूल अगर खोलने हैं तो नए खोले जाएं और मातृभाषा ही माध्यम होना चाहिए कम से कम 5वीं तक। अब इन अध्यापक संघ के प्रदर्शन का क्या अंजाम होता है ये देखने वाली बात होगी। प्रथम तहलका के लिए हिसार से परवीन कुमार की रिपोर्ट।